नीचे थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा नीचे। लोगों की इच्छा यही थी और हमने जिस व्यक्ति को अपने पार्टी में सबसे अधिक अधिकार दिया उसने कितना गड़बड़ किया, तो सब लोगों की जो इच्छा हो गई तो अंततो गत्वा। और आप देख रहे हैं कोई कुछ बोलता है, और हम तो दोनों में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में हम लोगों ने पूरे तौर पर समर्थन कर दिया, और वो हो जाने के बाद फिर जो सब की इच्छा हो रही थी हम लोगों के दल में, तो उन लोगों से बातचीत हुई, फिर अन्य दलों के साथ भी बातचीत हुई, और मिल करके तो आप जानते ही हैं कि जो हम लोग एक साथ थे इधर तीन दल, तो उसमें से तो दो निकल गए, अब तो अकेले न हैं, और एक जो उनके साथ भी था उसको तो बाहर करके उसके लोगों को अपने साथ में लिए थे। भाई याद करिए ना 2020 वाला जो, तो अब हम लोग तो बिल्कुल देखिए सब अपना इधर है, तो एक साथ मिल करके काम कर रहे हैं और बिहार को आगे बढ़ाना है सब मिल करके, और समाज में प्रेम और भाईचारे का माहौल रहे। बहुत लोग कोशिश करते हैं इधर उधर कुछ ना कुछ होता रहता, तब वो हमको अच्छा नहीं लगता था कि बेकार बिना मतलब की बात है, कोई ना कोई विषय उठा करके एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं ताकि समाज में एकदम बिल्कुल ही टकराव हो और उसका फायदा ले, तो ये सब तो बेकार चीज है। तो हम लोग तो लगे उस पर भी आपत्ति जताई जा रही है। अरे कहे का कोई आपत्ति जलाएगा, आप गजब बात करते हैं, डिप्टी सीएम है और इतना सब कुछ है तो उसको कहे नहीं मिलेगा, तो इसलिए ये सब कोई बात नहीं है। तो क्या अनाप शनाप बोलता रहता है, ये सब बेकार बात है। अब आगे जो काम होगा उसको देखिएगा, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, हम सब आप लोगों की भी इज्जत करते रहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष इस्तीफा नहीं दे रहे, इच्छा न है। अब फिर तो आप जानते ही ना, फिर तो हाउस है ना, तो हाउस है ही, तो दे ही दिया है नो कॉन्फिडेंस, वो आप जानते ही है, इसीलिए वो तो अपनी इच्छा है। अरे हम इस सब पर कुछ नहीं कहेंगे, और आप सब लोगों को मालूम है नियम और कानून सब चीज को मालूम है, इसलिए ट्वीट कर रहे हैं कि रात को सिनेमा हॉल जाने में डर लगता है। केंद्रीय परियोजनाओं में पैसे में कटौती का क्या मतलब है? जहरीली शराब से कुछ दिनों में, हाल के दिनों में कुछ मौत हुई। तब जानी ना, हर जगह तो हम इसलिए बोलते रहते हैं ना, आप जानते हैं लगातार अभियान चला रहे हैं समाज सुधार अभियान, जो आप जानते हैं 12 जगह और करके हमने कहा कि हर जगह करिए कोशिश कर, अब तो धरा न जा रहा है। और हम तो शुरू से बोल रहे हैं पियोगे मरोगे, और ये सब करके, और बापू ने जो कहा आजादी के लड़ाई के दिनों में, तो उस समय भी जो कहा हम एक एक घर तक पहुंचा दिए, तो एक एक तरह की बात है, तो देख न रहे हैं कितना गड़बड़ है। लोग मत पिए, इधर उधर मत करें, जो कुछ लोग जो करते हैं तो आप तो जानते ही ना है कि 90% तो एक राय का होता है, कुछ लोग तो इधर उधर मन होता ही रहता, हम बताते रहते हैं, हम लोग लगातार अभियान चला रहे हैं कि ये सबके हित में है, इसको छोड़िएगा। और आप देख रहे हैं कि जो शराब पीता था घर की कितनी स्थिति खराब थी, शराब पीना आम आदमी जो छोड़ा है तब कितना बढ़िया है, घर में कितना अच्छा खाना होता है, अब जरा देख लीजिए सब्जी वगैरह कितना बिक रहा है, कितना अच्छा माहौल बढ़ता चला जा रहा है, तो देख ही रहे ना। तो 18 में एक सर्वे कराए थे कि कितने लोग छोड़े, मतलब 1,64,00,000 हुआ था उस बार, इस बार भी हम कह दिए कि एक सर्वेक्षण और कर लेना चाहिए कि कितने लोगों ने छोड़ा था। ये बात तो है, लेकिन आप जानते हैं कुछ भी काम आप करिएगा, कुछ आदमी मनुष्य के कुछ लोगों का तो स्वभाव ही अलग किस्म का होता है। हम लोग किसी के माने कि उनके अहित में कर रहे हैं, तो हित में ना कर रहे हैं भाई। अब आप अपने राष्ट्रपिता की बात को नहीं सुनिए सोचिएगा, और काहे के लिए नहीं लीजिएगा दारू और अच्छा स्वस्थ रहिएगा, शराब पीने से ही तरह तरह की बीमारी होती है, और तो नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर भी, नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर भी आ गया रिपोर्ट WHO का, तो एक एक को मालूम है। तो इसलिए सब चीज को देखते हुए हम लोग करते रहते हैं, और इसीलिए देख लीजिए, इसलिए तो हम सबको बताते हैं कि पियोगे तो क्या हाल होता है, देख लो
गड़बड़ होता है और उस पर जो एक्शन लेना है वो सब तो निरंतर जारी है। मुख्यमंत्री ईडी और सीबीआई की मिसयूज बिहार में हो रही है, ईडी और सीबीआई का मिसयूज बिहार में हो सकता है। बिहार में जो जो पहले से जो कुछ भी है यहाँ आप जानते हैं, सात निश्चय जो किया हम लोगों ने किया, जो तय किया हम लोगों ने 15-16 में, और उसके अलावे सारा काम किया, उसके बाद भी उसी को आगे उसका सेकंड फेज भी हमने 7-2 का ये सब तो करना ही है, और उसमें भी हम कहें कि अधिक से अधिक रोजगार मिले तो ठीक बोल रहा है। जो बिहार में हम लोगों ने 2012 से बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस का आयोजन शुरू किया, तो आज भी वही कार्यक्रम है और उस सिलसिले में आप सब लोग उपस्थित हुए हैं, इसलिए आप सब लोगों को धन्यवाद। आप सबको मालूम है कि रक्षा दिवस भी आज है, तो हम लोगों ने कहा कि बहन की रक्षा के लिए तो सबको करते ही आज का दिन मनाया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ वृक्ष की रक्षा होनी चाहिए, तो उसी को देख करके हम लोगों ने आज के दिन ही इसकी शुरुआत कराई थी, और आज फिर आ करके अच्छा लगता है। और आप देखते हैं कि कितना ज़्यादा वृक्षारोपण किया जा रहा है, किया गया है, और सबको कितना ज़्यादा सुरक्षित रखा जा रहा है। अब बिहार की क्या हालत थी जब झारखंड अलग हुआ, तो बिहार में मालूम है ना कि बिहार का क्या था, कितना कम था, 9% के करीब था, लेकिन उसके बाद ही जो हम लोगों ने शुरू किया है सब काम, अब तो 15% भी हो गया, और उसके आगे भी हम लोग लगातार तेजी से कर रहे हैं। जो वृक्ष का उनका वृक्षारोपण कर रहे हैं सब जगह, तो उससे ये हो रहा है तो अच्छा है, और आज के दिन सब जगह इसका आयोजन किया जाता है। और आप जानते हैं कि हम लोग जो वृक्ष की रक्षा के लिए ही एक लगाते हैं, और बाकी सब जगह नया वृक्षारोपण भी करते रहते हैं, यही सब काम है ये सब कल, और इसलिए सब कुछ पता ही है। और अब तो जो जल जीवन हरियाली अभियान हम लोगों ने शुरू किया 19 में, तो उसी से मैंने कहा कि जब जल है और हरियाली है तभी जीवन सुरक्षित, तो उसको लेकर के भी सारा काम कर रहे हैं हम लोग, ये सब तो चल ही रहा, तो उसी सिलसिले में आए। सरकार बदलते ही एक बार आप लोगों पर फिर से जंगल राज का आरोप लगने लगा है। नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, कह रहे हैं कि पूरा आंकड़े के साथ आंकड़ा दिखा रहे हैं कि जंगल राज पर आरोप लगाएगा, कुछ अंडपंड बोलेगा तो उसको पार्टी में कुछ फायदा होगा ना जी, आप जानते नहीं है जो भी हम पर बोलेगा तो उससे उसको पार्टी में कुछ फायदा होने की संभावना रहेगी कि पार्टी वाला उसको देगा, या देख नहीं रहे जिनको पार्टी वाला बिल्कुल इग्नोर कर दिया था, तो वो कुछ बोलते हैं तो खुशी की बात है कि उन लोगों को कुछ मिल जाए और मौका, कोई उप कोई मैंने समझिए कि नीचे है वो और ऊपर चला जाए, और जिसको कुछ नहीं मिला है उसको और कुछ मिल जाए, अपना चीज है। देखिए ये सब तो किसी का भी बोलना सबको अपना है, हम लोग तो कुछ बोलते नहीं, हम लोग तो बता दिया है, आखिर हमको ये निर्णय क्यों लेना पड़ा है। हमारे पार्टी के तमाम लोगों को मुख्यमंत्री का ये कहना ठीक है, उसके लिए पूरा का पूरा प्रयास किया जाएगा। गठबंधन बदलने से क्या कटौती की आशंका आपको भी है, तेजस्वी यादव? देखिए एक बात जान लीजिए, सबसे बड़ी बात क्या स्थिति उत्पन्न होगी, एक एक चीज सबके सामने आएगा, और आप जान लीजिए देश चलता है संविधान के मुताबिक, और संवैधानिक प्रावधान है केंद्र को क्या करना है, अलग अलग राज्यों का क्या अधिकार है, जो वसूली करते हैं उसमें राज्यों को क्या अधिकार है, ये सब निर्धारित है। अगर इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत होगी तो अपना ही जवाब देना पड़ेगा, हमको ये सब कुछ अभी नहीं कहना है, आगे देखेंगे तो निश्चित रूप से आप बिहार में ईडी और सीबीआई का मिसयूज हो सकता है, बिहार में ईडी और सीबीआई का मिसयूज हो सकता है, सब फालतू अरे आप सोच लीजिए कि जो भी किसी चीज का दुरुपयोग करने का आदि होगा
तो आप समझ लीजिए कि जनता इसके बाद एक एक चीज समझ करके अपना निर्णय लेगी। समय कल तक जो आपको विकास पुरुष कहते थे, कल तक जो आपको विकास पुरुष कहते थे, लेकिन आपको पीएम के चेहरा के तौर पे देखा जा रहा है। देखिए भाई, एक बात हम हाथ जोड़ कर भी कहते हैं, वो सब मेरे मन में कोई बात नहीं। जो कहता रहे हमारे नजदीक भी कह देता हम प्रणाम करते। छोड़ो ना भाई, हमारा काम है सबका काम करना, और हम कोशिश करेंगे कि सभी दल मिल करके एक साथ चलें। विरोध विपक्ष वाले तो बहुत अच्छा होगा, एक साथ मिल करके रहेंगे तो लोगों की समस्याओं के लिए बात करेंगे और समाज में अच्छा वातावरण रहे, इसके लिए सब मिल करके कोशिश करेंगे, बिहार के सपने को पूरा करेंगे, पीएम बनेंगे। अरे सबकी इच्छा है, पहले ही बता दिए सर। एक सवाल इस तरफ से, सब हमसे मत पूछिए सर। एक सवाल इस तरफ से, नेशनल अपोजिशन यूनिटी के लिए आपका क्या रोल रहेगा? अपोजिशन यूनिटी पे नेशनल लेवल पे आपका क्या रोल रहेगा? जो हम लोग तो चाहेंगे ना सबको एकजुट करने का, तो उसमें काम पॉजिटिव है, काम कर रहे हैं। बहुत लोगों का फोन आ रहा है, बात हो रहा है, हम सब कर रहे हैं, सब करेंगे। पहले अपना यहाँ का काम करके फिर और जगह पर। इट्स ग्रेट टू सी यू हियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वर्क। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट, डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू वोटर स्टोरी एंड सपोर्ट इंडिपेंडेंट रोबस्ट journalism.